पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर पारडी परिसर में गोवंश से लदा ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 30 मवेशियों को कत्लखाना लेके जाया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन की तलाश जारी है। पकड़ा गया आरोपी सईद नगर ओल्ड कामठी निवासी इरशाद उर्फ राजा अब्दुल सैयद बताया गया। अन्य आरोपियों में भाजी मंडी बंटी कुरेशी, शाहनवाज उर्फ पाया और एक अज्ञात आरोपी का समावेश है। शनिवार देर रात गश्त के दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि MH40Y9082 नंबर के ट्रक में गोवंश की तस्करी की जा रही है। बड़े पैमाने पर गोवंश को कत्लखाना भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जबलपुर हैदराबाद हाईवे आउटर रिंग रोड पर जाल बिछाया। उपरोक्त नंबर के ट्रक को रोककर तलाशी लेने पर 30 गोवंश दिखाई दिए। बड़ी निर्दयता से उन्हें ट्रक में ठूसा गया था। जानकारी मिली है कि गोवंश बंटी कुरैशी और उसके साथी ने कत्लखाना पहुंचाने दिए थे। पुलिस ने ट्रक सहित 22.40 लाख रुपए का माल जब्त किया है। 27 तारखेला एक माननीय DCP साहेबांच्या आदेशाने एक ऑपरेशन ऑल आउट होतं। त्या दरम्यान आमच्या इथे नेमणूक असलेले API भोपळे, पोलीस हवालदार थोटे यादव आणि पोलीस नाईक पोलीस शिपाई राजा टाकळीकर हे पारडी हायवे या भागात मध्यरात्री गस्त करत असताना त्यांना एक ट्रक संशयितरित्या मिळाला आणि तो ट्रक त्यांनी थांबवला असता त्यांना त्यामध्ये 30 गोवंश मिळून आले। त्यामुळे त्यांनी ती रितसर कारवाई करून मुद्देमाल पारडी पोलीस स्टेशनला हँड ओव्हर केला। यामध्ये एकूण 3 आरोपी होते। जो आम्हाला ताब्यात मिळाला तो ड्रायव्हर जो होता त्याचं नाव आहे इरशाद उर्फ रजा अब्दुल सय्यद, हा पंकज लॉनसमोर राहतो सईद नगर कामठीला। आणि फरार आरोपीमध्ये आहे बंटी कुरेशी जो भाजी मंडी जुनी कामठीला राहतो, क्लीनर शहनवाज उर्फ पाया हा सुद्धा सैलाबनगर नवीन कामठीला राहतो आणि एक आरोपी या बंटीचा मित्र आहे। या एकूण कारवाईमध्ये ट्रक जो आहे तो 20 लाख रुपये किमतीचा आणि 2,40,000 रुपये किमतीचा हा गोवंशचा मुद्देमाल, असा एकूण 22,40,000 मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे आणि आरोपी आणि मुद्देमाल पुढील कारवाईसाठी पारडी पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आले। गोवंश को गौशाला भेजकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंखलवार की रिपोर्ट।